कैसे करें अनइंस्टॉल एप्स को अपने लैपटॉप के अंदर से। सो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप के अंदर से कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं एप्स को। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पर मैं अपने एप्स में जाकर दिखा देता हूं कि यहां पर मेरे कितने एप्स इंस्टॉल्ड हैं। तो मैं यहां पर जो अनइंस्टॉल करने जा रहा हूं टीम व्यूअर को, तो उसको दिखा देता हूं कि ये इंस्टॉल्ड है मेरे पीसी के अंदर। ये टीम व्यूअर यहां पर ओपन हो चुका है, तो अब मैं इसको अनइंस्टॉल करूंगा। सबसे पहले आपको अपने सर्च बार में जाना होगा, या फिर विंडो की प्रेस करके आप सर्च कर सकते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स सर्च करने के बाद यहां पर आप सेटिंग्स का सबसे पहले आइकन आएगा, आप उसको ओपन करना है, तो क्लिक कर सकते हैं आप। क्लिक करने के बाद ये मेरी सेटिंग्स खुल चुकी है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट्स बाकी बहुत कुछ है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रखा है ऐप्स का, तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी है, तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा ऐप्स पर। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे जितनी भी ऐप्स हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर वो सब आ चुकी हैं, क्या क्या इंस्टॉल्ड है। तो मुझे टीम व्यूअर को अनइंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा टीम व्यूअर, जो आपकी ऐप है आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर टीम व्यूअर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। अब सेकेंड बार अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है, दोनों बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब ये कंफर्मेशन मांगेगा। रिमूव सेटिंग पर क्लिक किया, अनइंस्टॉल पर क्लिक किया और ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है ऐप। अब क्लोज कर देना है इसको। ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है टीम व्यूअर। और आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ इसको कट करके कि अब वो ऐप्स में मेरी है या नहीं है, सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं विंडो की प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ अपने टीम व्यूअर को जो मेरा इंस्टॉल था। अब ये अनइंस्टॉल हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।